हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक यूनिट के खत्म होने के बाद हम उस यूनिट के मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं और कुछ दिनों बाद उस मॉडल क्वेश्चन के ऊपर हम एक गिव अवे करते हैं बुक के रिस्पेक्ट में। तो आज हमारे माइक्रोबायोलॉजी को खत्म किए हुए काफी समय हो गया है और लास्ट यूनिट का बुक गिव अवे बचा हुआ था। काफी सोचने विचारने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम इस बुक गिव अवे को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि पिछले बुक गिव अवे में बिल्कुल नहीं के बराबर पार्टिसिपेट किए थे, केवल 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हमने तीनों को बुक दे दिया था। सो बाय डिफॉल्ट वो तीनों विनर हो गए थे। ऐसा ना हो ऐसा मैं सोच रहा हूं इस वाले पार्ट में। तो आज आपको आपके बुक गिव अवे के रिस्पॉन्स में आपको जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स भेजेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में जो विनर होंगे उनको क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए। आप में से कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि एक आध माइक्रोबायोलॉजी की बुक भी गिव अवे कर दे, जिसका यूज मैंने खुद किया है अपने वीडियोस को बनाने के लिए। तो इस बुक को आज मैं देने वाला हूं। यह है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सेकेंड एडिशन है इसका और रवि कुमार मंडी का बुक है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल रिव्यू भी करा हुआ है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। नॉट ओनली फार्मेसी, अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो भी इसमें काफी चीजें इंक्लूड हैं। आपके थ्योरी के सिलेबस के साथ साथ जीपेट के सिलेबस को भी कवर करता है। तो ये बुक अगर आप जीतते हैं तो आपका काफी काम आएगा माइक्रोबायोलॉजी में। तो शायद आपके काम उतना ना जितना कि आने वाले समय में कॉम्पिटिशन एग्जाम के काफी पॉइंट हो जाएगा। तो इस बुक का जो डिटेल रिव्यू है, जिसको आप अभी अपना बना सकते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो देख लेंगे। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि आपको इस बुक गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए और विनर बनने के लिए क्या क्या करना होगा। हालांकि आप में से सभी लोगों ने इसके पहले भी विनर बन चुके हैं, उन्होंने भी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी काफी कुछ आइडिया है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले मैं प्रोसेस बता दूं कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं केवल वही इस बुक गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि हम उनको बुक बाहर नहीं पहुंचा सकते। हाँ, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने नोट्स भेजना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, हम उसका स्वागत करेंगे और बाकी लोगों को दिखाएंगे भी। दूसरा, इसका जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो डेट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बुक गिव अवे स्टार्ट होता है 9 मई 2022 को, जब से ये आप वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर के 16 मई 2022 तक। तो समय थोड़ा सा आपके पास एक आध हफ्ते के आसपास है, इस समय के बीच ही आपको प्रिपेयर करना है। और 16 मई 2022 को रात के 12 बजे तक आपको हमें अपने नोट्स मेल कर देने हैं। कैसे बनेंगे आगे सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपने 16 मई से आगे यानी कि बाद में 17 मई 18 मई ऐसे अपने मेल किए नोट्स को, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले ही आपका नोट्स सबसे अच्छा क्यों ना हो। सो टाइम लिमिट का फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप समझिएगा। इसके बाद जो इसके रिजल्ट होंगे, यानी कि कौन से 3 बच्चों को ये बुक मिल रहा है, उसका जो अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, वो होगा 21 मई 2022 को, ऑब्वियसली हमारे फेवरेट टाइम, रात को 9 बजे इसी YouTube चैनल पे, प्लस हमारे Facebook के जो ग्रुप है सोशल फार्मेसी का, उस पे भी हम उसको अपडेट कर देंगे, ऐप में भी उसको हम डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक मिला हुआ होगा कि डाउनलोड दिस मॉडल क्वेश्चन पेपर टू पार्टिसिपेट इन बुक गिव अवे। उस लिंक को क्लिक करते ही आपके पास एक क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए, या तो सॉफ्ट कॉपी में ही क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग सेक्शन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। हालांकि एमसीक्यूज के आंसर हमने ऑलरेडी दे दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर भी उसे अटेंड करना है, पूरे सेक्शन के पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। उस क्वेश्चन पेपर में भले ही लिखा है any 3, any 4, whatever it is, बट वो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ। इसके बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको टेबल ऑफ इंडेक्स बनाना है अपनी कॉपी में। कॉपी का सिलेक्शन कैसे करना है, आप बढ़िया सा A4 साइज का ब्लैंक या रूल्ड पेपर ही यूज करेंगे। इस टाइम में क्लियरली बोल रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपने A4 साइज के पेपर नहीं यूज किए या क्वालिटी अच्छी पेपर की नहीं रखी, रफ रखा हुआ होगा पेपर, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, आगे लिखा हुआ पीछे दिख रहा है, पीछे का लिखा हुआ आगे दिख रहा है, सुपर इंपोज हो रहा है, तो भी कॉपी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कॉपी आपने बना ली, उस पर आपको लिखना है। जब आप मेल करेंगे, आगे का प्रोसेस और भी बताऊंगा, जब आप मेल करेंगे तो आप अपने मेल पे आपके सब्जेक्ट में लिखेंगे बुक गिव अवे, और टेक्स्ट जहां पर हम बॉडी में लिखते हैं मैसेज, वहां पे आप अपना पूरा नाम, पूरा पोस्टल एड्रेस विद करंट मोबाइल नंबर जिस पे व्हाट्सएप चलता हो, वो आप मेंशन जरूर करेंगे। उसके बिना हम आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि अगर आप विनर हुए तो। उसके बाद क्या करना है, आपको एक
पेज लेना है, उस पेज के पहले पेज पे जो आप कॉपी बनाएंगे लिखने के लिए उसके पहले पेज पे ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको ऐड करना है। ये जानकारियां जो भी आपको मैं दे रहा हूं इसका ये जो नोट्स मेरे हाथ में, ये पूरा डिटेल भी आप पीडीएफ में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पैरेलली यहां भी आप उसको देख सकते हैं। सो फ्रंट पेज पे जो आपने कॉपी बनाएगी उसमें आपका नाम, आपका सेमेस्टर या तो ईयर होगा, अगर आप पास आउट हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे आप लिख सकते हैं पास आउट स्टूडेंट। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर यहां पे देना कंपलसरी नहीं है पर मेल में अलग से लिखना कंपलसरी है। यहां पे अगर आप चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये नोट्स बाकी बच्चों को भी दिखाए जाएंगे। सो अगर आपको अपनी प्राइवेसी से कंसर्न है तो आप अपना मोबाइल नंबर हाइड कर सकते हैं। यहां पे आपका मेल आईडी भी देना है बट यहां भी अगर आपको कोई इशू है तो भी आप वहां पे चीजों को हाइड कर सकते हैं। दैट मींस मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इट्स अप टू यू, इट्स अ ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। इसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, इस एड्रेस में आपको पूरा पोस्टल एड्रेस देना है इंक्लूडिंग पिन नंबर। इसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो लिख सकते हैं कि पास आउट फ्रॉम लास्ट कॉलेज जिससे भी आपने पास आउट किया था। ये पहले पेज की बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद जब आप सेकेंड पेज में आएंगे तो आपको टेबल ऑफ इंडेक्स बनाना पड़ेगा जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, और वो टेबल ऑफ इंडेक्स जिसमें आप बनाएंगे उस पे पूरा तीन कॉलम होगा, पहले में सीरियल नंबर होगा, दूसरे में सेक्शन होगा, तीसरे में पेज नंबर होगा। सो अगर आप एमसीक्यूज अटेंड कर रहे हैं तो आप केवल लिखिए सेक्शन वन एमसीक्यूज कितने पेज नंबर से, ऑब्वियसली ये फर्स्ट पेज से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पेज से लेकर कितने पेज तक जा रहा है वो आप पेज नंबर में लिखेंगे। जब दूसरा सेक्शन अटेंड करेंगे लॉन्ग एंड सेट ऑफ क्वेश्चन तो वहां पे सेक्शन नहीं क्वेश्चन लिखने, क्वेश्चन नंबर वन इतने से इतना पेज, क्वेश्चन नंबर टू इतने से इतना, वैसे ही शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आपको करना है। डेमो भी देख सकते हैं या पहले के जो बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था वो भी आप हमारे ऐप पे आकर के देख सकते हैं। इसके बाद आपको उसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्कैन करना है, जो नोट्स आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया है उसको स्कैन करना है। हाँ, और एक बहुत जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज कि जब आप नोट्स बनाएंगे जैसे आप कागज पे पूरा आंसर लिखते हैं तो उस नोट्स के तीन जगह, एक ऊपर में और एक पैराग्राफ के बीच बीच में, मतलब कहीं भी तीन जगह जिसको क्रॉप ना किया जा सके, पैराग्राफ के बीच में होगा टॉप में नहीं लिखेगा, बीच बीच में आप लिखना पड़ेगा सबमिटेड टू सॉल्यूशन फार्मेसी, रेड पेन से या स्केच पेन से लिखना है सबमिटेड टू सॉल्यूशन फार्मेसी। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नोट्स फिर से कहूंगा एक्सेप्ट नहीं होंगे। कारण भी सिंपल सा है कि अगर आपने बिना लिखे नोट सबमिट किए और आपके नोट्स अच्छे हुए और हम बाकी बच्चों को सर्कुलेट किए तो भैया यहां पे अच्छे लोग जितने हैं वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नियत में थोड़ा खोट है तो वो उस नोट्स को डाउनलोड करते हैं और अपनी तरफ से काफी महंगे महंगे दाम में दूसरों को बेचते हैं। तो मेहनत आपकी है तो वो आपके थ्रू सब तक पहुंचे और हमारे ऐप के थ्रू सब तक पहुंचे, इसी से हमारा जो मेन मकसद है वो पूरा हो पाएगा। तो वहां पर आपको लिखना जरूरी है सबमिटेड टू सॉल्यूशन फार्मेसी। इसके बाद आपको स्कैन करना है, एक अच्छा पीडीएफ स्कैनर ले लीजिएगा, स्कैन अच्छा हो उसका ध्यान रखें, धुंधला होगा तो ऑब्वियसली हम रीड नहीं कर पाएंगे, वो इलिजिबल हो जाएगा, क्लियर हो और उसके आसपास कोई बैकग्राउंड ना हो, केवल पेज ही स्कैन हो, अगल बगल जो भी बेडशीट वेडशीट आप बिछाते हो उसको स्कैन करते हो तो अगल बगल कुछ ना आए इसका ध्यान रखिए, केवल पेज ही आ जाए। इसको स्कैन करेंगे अच्छी क्वालिटी में और उसके बाद इसको रीनेम कर दीजिएगा अपने नाम से या तो माइक्रोबायोलॉजी गिव अवे के नाम से, फिर उसको आपको हमें मेल करना है। हमारा मेल आईडी है solutionpharmacy@gmail.com, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपका पीडीएफ का साइज काफी ज्यादा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ पेजेस ज्यादा हो सकते हैं, क्वालिटी ज्यादा हो सकती है तो वो एक सिंगल मेल में अटैच नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करिए, उसे ओपन रखिए, उसे लॉक मत करिए, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, ये ऑप्शन रखिएगा और गूगल ड्राइव का लिंक उस मेल में अपना अटैच करके हमें दे दें। और हर एक बार मेल को जरूर चेक करते रहिए क्योंकि जब आप हमें मेल करते हैं और हमें वो मेल मिलता है तो हम आपको रिवर्ट करते हैं रिसीव्ड, और अगर आपके मेल के इस जो लिंक है गूगल ड्राइव इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इमीडिएटली आपको आपके दिए गए नंबर पे या तो मेल पे कॉन्टेक्ट करते हैं कि इसे रीओपन करिए। तो मेल जरूर चेक करिए, ऐसा ना हो कि आपने भेज के मेल भूल गए और हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानकारी मंगा रहे हैं, अधूरी जानकारी है वो नहीं दे पा रहे हो तो डेफिनेटली डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो ये चीजें विशेष ध्यान रखिएगा। मेल आईडी हमारा है solutionpharmacy@gmail.com। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपके मन में डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या तो मेरे जो ऐप है सोल्यूशन फार्मेसी का उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके चैट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करना, अगर कोई डाउट है
है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद में अगर आपने पूरा काम कर लिया है, सब कुछ लिख लिया है, आंसर लिख लिया है, तो लास्ट में एक डिक्लेरेशन है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको लिखना है कि आई, आपका नाम होगा आई पुष्पेंद्र पटेल, सर्टिफाइड दैट दिस नोट्स इज मेड बाय मी एंड आई एम एग्री टू सबमिट टू सोल्यूशन फार्मेसी सो दैट दे मे शेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। तो ये पूरा आपको लिखा हुआ है, इसमें आई के बाद जो स्पेस है उस पर आपको अपना नाम लिखना है और साइन करना है लास्ट पेज में। इन सब को स्कैन करके आप हमें मेल कर दें। प्रोसेस बहुत सिंपल सा है और ये हमने आज ही नहीं किया, इसे हमने कई बार कर चुके हैं, वैसे कई बच्चों को हमने बुक गिव अवे किया है, काफी महंगी महंगी और काफी अच्छी अच्छी बुक भी दिए हुई है। और एक सबसे जरूरी सूचना या घोषणा, पिछले बार हमने बुक गिव अवे किया था तो केवल 3 बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो 3 के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने तीनों को बुक दे दिया, चाहे क्वालिटी में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ा। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर हमने देखे कि बच्चों की एक संख्या कम है या उनके नोट्स अच्छे नहीं हैं तो कम में से भी छांट लें, ऐसा नहीं होगा। क्वालिटी के साथ तो वैसे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो अगर हमको लगता है कि क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट दें और ऐसे बच्चे जो पहले भी विनर बन चुके हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले जीत चुका हूं तो इस बार नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप 1000 बार प्रोग्राम करेंगे, 1000 बार पार्टिसिपेट करोगे, 1000 बार आपका नोट्स अच्छा होगा, हम आप ही को बुक देंगे, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं कि किसने कितनी बार जीता है। द बेस्ट वन हैज टू बी रिवॉर्डेड, चाहे वो एक बार जीता हो चाहे वो कई बार जीता हो। बेस्ट नोट को हम ये तीन बच्चों को ये बुक और साथ में एक सर्टिफिकेट डिस्पैच कर देंगे। तो लास्ट डेट का विशेष ख्याल रखिएगा, लास्ट डेट वैसे भी लिखा हुआ है फिर भी बता दूं आपको, स्टार्ट होगा 9 मई 2022 से और एंड होगा 16 मई 2022 को रात के 12 बजे तक। उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। कोई कमेंट में डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर।